हम कक्षा 7 में संस्कृत विषय में पढ़ेंगे मंगलम। ये आपकी पुस्तक शुरू होने से सबसे पहले ये आपके ईश्वर की वंदना है, ईश्वर को याद करना है। जो भी कोई हम अच्छा कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम ईश्वर वंदना करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी पुस्तक में सबसे पहले ये मंगलम दिया गया है। इसमें आप देखोगे जो कवि है वह अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कह रहा है। कवि कहता है, यथा च पृथ्वी च न विदितो न दृश्यतः एवा मे प्राणा मा विदे। अर्थात यथा यानी जैसे, जैसे ज्यों यानी आकाश, जिस प्रकार या जैसे आकाश और पृथ्वी ना तो क्या है डरते हैं और ना दुख देते हैं, उसी प्रकार वैसे ही हे मेरे प्राणों आप भी डरो मत, हे मेरे प्राण तू भी डर मत। कवि इस प्रकार कह रहा है, किसी भी कार्य को करते हुए कवि कह रहा है, जिस प्रकार आकाश और पृथ्वी ना तो कभी भयभीत होते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो वैसे ही हे मेरे प्राण तू भी डर मत। यथा च रात्रि च न विदितो न दृश्यतः एवा मे प्राणा मा विदे। जैसे रात्रि और दिन, न विदितो न दृश्यतः, न रात्रि और दिन ना तो किसी से डरते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं, तो वैसे ही हे मेरे प्राण तू भी भयभीत मत हो, डर मत। इस प्रकार कवि इसमें दिन और रात्रि का उदाहरण देते हुए हमें कह रहे हैं, अपने प्राणों को कह रहे हैं कि तू भी उसी प्रकार निडर होके कार्य कर, किसी से डर मत, घबरा मत। आगे देखेंगे, यथा सूर्यश्च चंद्रश्च न विदितो न दृश्यत एवा मे प्राणा मा विदे। और इसी प्रकार कवि सूर्य और चंद्र का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार या जैसे सूर्य और चंद्रमा ना किसी से भयभीत होते हैं और ना ही किसी से डरते हैं, वह निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं, उसी प्रकार हे मेरे प्राण तू भी डर मत। आगे देखेंगे, यथा सत्यम सा मृतम च न विदितो न दृश्यतः एवा मे प्राणा मा विदे। जैसे सत्य च यानी और मृतम यानी असत्य, तो जैसे सत्य और असत्य कभी भी ना भयभीत होते हैं ना किसी को दुख देते हैं, उसी प्रकार हे मेरे प्राण वैसे ही तू भी किसी से डर मत। तो इस प्रकार इसमें कवि ने हमें आकाश और पृथ्वी के माध्यम से उदाहरण देते हुए प्राणों को कहा है कि बिल्कुल डर मत और निरंतर अपना कार्य करते रहो, और रात्रि और दिन का उदाहरण देते हुए हमें कहा है कि निरंतर कार्यशील रहो। सूर्य और चंद्रमा का उदाहरण देते हुए भी कवि ने हमें समझाया है कि अपने प्राणों को कह रहा है कि कभी भी डर मत और निरंतर कार्य करते रहो। और इसी के अंतर्गत सत्य और असत्य का उदाहरण भी दिया गया है। तो ये हमारा मंगलम, हमारी ये कविता हो गई, प्रार्थना हो गई, और इसमें आपको कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो देखेंगे, यथा यानी जैसे, क्यों अर्थात आकाश, मृतम यानी दूर या असत्य, विदितो यानी डरना, भय लगना या डरना, दृश्यतः यानी दुख, मा यानी नहीं या मत करो। तो शब्दार्थ पढ़ने से
और अभ्यास करने से आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी प्रकार आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे और ये लिखेंगे। धन्यवाद।